हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पसारा लाइसेंस कैसे बनाए, सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे बनाए, ठीक है। तो ये जो पसारा लाइसेंस के लिए कई बार लोग अपने वीडियो इसमें यूट्यूब में खोजते रहते हैं, मेरा भी बहुत सारे वीडियोस में है, लेकिन आज एक लेटेस्ट वीडियो मैं आपको बनाता हूँ जिससे किसी को एक काम लग जाए, ठीक है। तो पसारा लाइसेंस के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। और आपको जब भी लाइसेंस लेना है तो वही मेरा वीडियो देखिए दो चार बार, और इसमें लिखती जाइए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेरा जो नया वीडियो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, तो वो उससे आपका लाभ उठाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो भी एजेंसी खोलना चाहे उसका नामकरण कर दीजिए, नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, और नाम देते हैं उसके पीछे सिक्योरिटी सर्विस लिख दीजिए, जैसे कि हमारी अल्फा सिक्योरिटी सर्विस। आप कुछ और नाम दे दीजिए, पीछे सिक्योरिटी सर्विस होना चाहिए, प्रोटेक्शन फोर्स होना चाहिए, ठीक है, या इस तरह से जो भी इंटेलिजेंस सर्विस इस तरह का होना चाहिए। तो नाम दे दिया, उसके बाद आपको जो है उसका आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये कई सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके खुद के जो घर के और ऑफिस के, वो आप जो है वो रेडी कर लीजिए। आपके पास होता ही है ज़्यादातर, ऑफिस अगर आप खुद का है तो ठीक है, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट रेडी कर लीजिए उसका। उसके बाद जो है आपका खुद का ओनर्स का फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब पसारा में आप अपलोड करेंगे तो ईमेल आईडी से आपका पासवर्ड मांगेंगे और वो आप पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, उसके बाद इसमें आपका खुल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एक तो गुमास्ता सर्टिफिकेट। गुमास्ता को कई बार पूछे साहब गुमास्ता क्या होता है, एक गुमास्ता ये होता है कि आप जब कोई भी दुकान ऑफिस खोलना होता है तो वो एक नगर पालिका या पंचायत में, अगर हमारा एरिया में पड़ रहा है तो पंचायत से वो हमें वो एक सर्टिफिकेट, एक रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो वो उसका फॉर्मेट होता है, उसमें पंचायत का जो है वो सरपंच साइन करके देता है, अटारी का मंत्री होता है वो साइन करके देता है, नगर पालिका के अधिकारी साइन करके हमें एक सर्टिफिकेट देता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप गुमास्ता नहीं कर पाते हैं और कई बार चक्कर कटवाते हैं कहीं अलग अलग प्रोसीजर, तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ऑनलाइन फ्री में मिलता है, MSME करके उसमें उद्यम होता है, उसमें आप जो है वो क्लिक करके पूरा अपना डिटेल्स भरिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन बना लीजिए, फर्स्ट क्लास वाला ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट चाहिए, तो एफिडेविट में क्या है कि उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको दे देंगे तो वो फॉर्मेट में 100 रुपये स्टैंप पेपर में आपको एफिडेविट बना। इसके बाद एक फॉर्म टू होता है जिसको वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, वो आपका खुद का वेरिफिकेशन होगा, वो 2 पेज का होता है, उसमें आपका फ़ोटो लगाने हैं, दो तीन तीन जगह साइन है, 2 जगह अपना अंगूठा निशान है, वो करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको आपका ऑफिस का प्रमाइसिस का फ़ोटो, इनर और आउटर, अंदर का बाहर का, 2x4 का एक बैनर बनना चाहिए अपनी सिक्योरिटी का नाम का, और उसको फोटो बाहर लगा के उसको फ़ोटो पाड़ लीजिए, अंदर में भी लगा के फ़ोटो पाड़, आपकी कुर्सी टेबल कंप्यूटर वगैरह दिखाई दे, ठीक है। ये सारे चीज़ें अगर जैसे हो जाता है, इसके बाद जो है आपको आपको ट्रेनिंग्स का आपको ट्रेनिंग 6 दिन का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमारी जो अल्फा सिक्योरिटी सर्विस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, एफिलिएटेड है, ठीक है। तो वो हम आपको आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देंगे जो गवा सरकार मान्य कहा जाता है, और साथ में 7 पेज का MOU होता है, वो MOU आपको देंगे, वो उसको आपको उसमें ट्रेनिंग्स के अंदर अपलोड करना होता है। तो ये सारे सब डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपको उसमें ज़्यादा उधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे कर लीजिए, सारे मतलब ऑफिस के, घर के, इसके अलावा अपने जितने भी जो कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आगे बताया हूँ, ये सारी जैसे यूनिफॉर्म, एजेंसी का यूनिफॉर्म क्या रखेंगे, पैंट कलर क्या होगा, शर्ट का क्या होगा, तो जनरली पैंट का ब्लैक पैंट होता है, शर्ट का बिस्किट कलर शर्ट है या आसमानी शर्ट, कोई भी एक आप देख लीजिए, मार्केट में सिक्योरिटी बहुत सारी घूमते रहते हैं, तो उसमें से फ़ोटो खींच लीजिए और वो फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो ये जब सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए सारे के सारे, उसके बाद उसको आप कंप्यूटर में 1 MB के PDF फाइल बना लीजिए, सबके अलग 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 इसमें आपका सेव कर लीजिए, और
पसारा जो है, पसारा की जो वेबसाइट है उसमें आप जाइए, उसमें पसारा में कैसे जाना है, www.pasara.government.in में जाइए, क्लिक करिए, टॉप राइट में ऊपर में लॉगिन पासवर्ड आता है, उसमें आपका ईमेल आईडी डालिए, उसको लॉगिन करिए, उसके बाद आपका पासवर्ड आएगा वो डालिए तो खुल जाएगा। उसमें 13 स्टेप होता है, वो 13 स्टेप में आपको वन बाय वन सब आप भरते जाइए, पूरा जो पर्टिकुलर्स भरना है, कहाँ कुछ अपलोड करना है तो राइट चीज़ अपलोड करिए, ठीक है। तो उसमें एक एक करके भरेंगे, एक रेडी करके सेव करोगे तो दूसरा खुलेगा, तीसरा, ऐसे करके 13 स्टेप, 13 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको उसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो 3 टाइप में होती है, एक तो एक भाई 5 डिस्ट्रिक्ट का, 5 डिस्ट्रिक्ट और ऑल स्टेट, क्योंकि ये जो लाइसेंस है, कई बार हमें फ़ोन भी कर दे कि साहब ये लाइसेंस इधर का है तो वहाँ चलेगा, उधर का उधर, नहीं, ये स्टेट वाइज लाइसेंस हो गया है, आपको हर स्टेट का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसमें भी आपको एक डिस्ट्रिक्ट का लेना तो एक डिस्ट्रिक्ट का लीजिए, 5 डिस्ट्रिक्ट का लेना है या पूरा स्टेट का, उसकी फीस भी अलग अलग है। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 5,000 है, 5 डिस्ट्रिक्ट का 10,000 गवर्नमेंट फी है, और इसी तरह पूरा स्टेट का 25,000 फीस है। उसको आपको ऑनलाइन ही उसमें पेमेंट करना है, आपके उसमें कई सिस्टम है, आपके ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT से आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट हो जाता है उसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस हो जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को कौन सी, वो सब सारी उसमें चॉइस करना पड़े कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए, 5 है तो कई कौन सी डिस्ट्रिक्ट, वो सर होने के बाद आपका पेमेंट हो गया तो उसके बाद आप प्रिंट कॉपी में चले जाइए, प्रिंट कॉपी में आप 2 सेट प्रिंट कॉपी निकाल लीजिए और उसको फिर इसके बाद जो है आपका प्रोसीजर पूरा हो गया, वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका SOG में चला जाएगा, उसका जहाँ से जाना है ऑनलाइन ही जाएगा। SOG में आपका वेरिफिकेशन कराएंगी, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद 500 रुपया गवर्नमेंट जो फी होती है वेरीफिकेशन वो भरनी पड़ती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चला जाता है DGB अपना मंत्रालय में हेडक्वार्टर, तो वहाँ चला जाए, वहाँ से आपका लाइसेंस इश्यू होगा, उसका करीब 2 महीने का पीरियड होता है, 2 महीने में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और कई लोग मुझे साहब मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो आप इंडियन है आपका रिकॉर्ड सही है, कोई गलत काम नहीं किया है और किसी तरह का आपका कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, 100% लाइसेंस मिलेगा, आपको इसमें शंका डाउट करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रोसीजर पूरी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें और भी एक चीज़ आती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आपका IT 3S का होता है, EPF, ESI, GST। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ गुजरात के अंदर अगर न्यू लाइसेंस ले रहे तो ये सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, हाँ रिन्यूअल में ज़रूर है, रिन्यूअल में सारे चीज़ें है, आपको PF नंबर, ESI नंबर, GST नंबर, साथ में आपका 3 ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए और सब चीज़ उसमें अपलोड करना है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं सब चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो आप उसको पहले ऐसे ही अपलोड कर दीजिए, खाली छोड़ दीजिए और आगे अपना रेडी करके, कि वो ऑप्शनल है तो उसको रेडी करके आप आगे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, ओके फाइन, बाय।